हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी लाइफ संचिता। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस व्हाइट वूल से एक थाल पोस। आज हमें तुम्हारे देखाबो ये सादा वूल दिए एक थाल पोस। तो चलो वीडियोटा स्टार्ट करा जाक, लेट्स गो। तो तुम्हारा भावचो है तो हमें हिंदी बांगला दोटो मिले क्या कथा बोलछी। আমার ফ্যামিলিতে কেউ কেউ আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছে হিন্দিতে কথা বলার জন্য, তাই আমি কিছু হিন্দিতে কথা বলছি। মেরি ফ্যামিলি মে কুচ কুচ লোগোনে মুঝে কমেন্ট করকে বলা হে কি হিন্দি মে বাত করনে কে লিয়ে, তো ইসিলিয়ে হম হিন্দি মে আবি বাত করেঙ্গে অর বেঙ্গলি মে ভি বলেঙ্গে। সো এট ফার্স্ট এসে উলকো হামকো মিডল ফিঙ্গার মে देखिए ऐसे लेना है, ये भावे मिडल फिंगारे उल्टा पेचे नीते हबे ऐसे एक चेन वन चेन टू टू चेन ले लेंगे, टू चेन निये नेबो। एबार एई रिंगेर मध्ये आमि षोलोटी हाफ डबल क्रोशिया करे नेबो। इस रिंग के अंदर हम 16 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, टू ऐसे ही पूरे रिंग के अंदर हम 16 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। এভাবেই পুরো রিংটার মধ্যে আমরা 16টি হাফ ডবল ক্রোশিয়া করে নেব। থ্রি হাফ ডবল ক্রোশিয়া কমপ্লিট হয়ে চুকি হয়, তিন হাফ ডবল ক্রোশিয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, নেক্সট 16টি হাফ ডবল ক্রোশিয়া করে নেব। ओके, 16 डबल क्रोशिया कमप्लीट हो चुकी है, 16 डबल क्रोशिया हमारा कमप्लीट हो गया। एबार उलर ये खुँटी धरे हमें टेने टाइट कर नेब। उल की इज द साइड को हम खींच के टाइट कर लेंगे, रो को देखिए ऐसे अच्छे से खींच लेना है। खींच के फिर हम पहले वाले डबल क्रोशिया के साथ एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, प्रथम डबल क्रोशिया साथे एक टी स्लिप स्टिच कर नेब। फिर पीछे इस धागे को हम धागे के वो इस साइड को हम की जॉइंट कर लेंगे, अच्छे से नॉट लगा लेंगे जहाँ अगर लूज ना हो जाए तो। উলের এই সাইডটাকে আমি ভালো করে গিট লাগিয়ে নেব যাতে না পরবর্তীকালে লুজ হয়ে যায়। আবি হাম দো চেন লে লেঙ্গে, এবার আমরা দুটো চেন নিয়ে নেব। ওয়ান টু, ফির উসি চেন যাহা পে হামনি লি হ্যায় দু চেন উসি স্পেস পে হাম দু ডবল ক্রোশিয়া বানায়েঙ্গে। যেখানে আমরা দুটো চেন করেছি ওই স্পেসে আমরা দুটো ডবল ক্রোশিয়া করে নেব,
वन टू फिर नेक्स्ट चेन पे भी ऐसे ही हम दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। एबार परेर चेनेओ एकी भावे आमरा दुटो डबल क्रोशिया करे नेब। वन टू नेक्स्ट चेन पे भी ऐसे ही हम दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। पर चेने ये हमें दो डबल क्रोशिया कर भावे पूरा राउंडटाई हमें बुने नेब। प्रति चेने दोटो को डबल क्रोशिया ऐसे ही हम पूरे राउंड बुन लेंगे हर एक चेन पे दो दो डबल क्रोशिया करके। सो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंडटा कंप्लीट कर नी। देखिए मेरी पूरी राउंड कंप्लीट हो चुकी है। हमार पूरा राउंड टा कंप्लीट हो गया चे। अभी पहली वाली डबल क्रोशिया के साथ हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। प्रथम डबल क्रोशिया संगे स्लिप स्टिच करे हमें राउंड टा जॉइंट कर निलाम। राउंड को जॉइंट कर ली है। अभी टू चेन लेंगे। एबार दुटो चेन नेब। सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्पेस से हमें एक डबल क्रोशिया कर लेब। वन चेन एक चेन ले लेंगे। वन चेन नहीं लेब। फिर वन चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन पे दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक टा चेन स्किप करे नेक्स्ट चेने दो डबल क्रोशिया कर लेब। वन एंड टू फिर से वन चेन ले लेंगे। आबार एक टी चेन नहीं लेब। यहाँ की एक चेन स्किप करके नेक्स्ट सेकेंड चेन पे दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चेन स्किप करे सेकेंड चेने दो डबल क्रोशिया कर लेब। वन टू फिर से एक चेन ले लेंगे। आबार एक चेन निये नेब। एइभाबे पुरो राउंडटा बनते थाकब। वन चेन एंड वन चेन स्किप टू डबल क्रोशिया ऐसे ही पूरा राउंड टा बुने
और पूरा राउंड बुन लेंगे। ये भाभी पूरा राउंड टा बुने ने बो ओके मेरी राउंड कंप्लीट हो चुकी है। हमारा राउंड टा कंप्लीट हो गया छे। अभी वन चेन लेके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। एबार एकटी चेन नी प्रथम डबल क्रोशिया साथे हमें स्लिप स्टिच करे नेब। पहली वाली डबल क्रोशिया के साथ हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे देखो ये भावे देखिए ऐसे लुक ऐसे आएगी। नेक्स्ट हम दो चेन ले लेंगे। एरपर हमें दो चेन ले नेब। ओ सॉरी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे मिडिल पोर्शन पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। मिडिल पोर्शन में हमें एक स्लिप स्टिच कर निला। नाउ टू चेन ले लेंगे। अभी दो चेन लेंगे। এবার দুটো চেন নিয়ে নিলাম। সেম স্পেস পে এক ডবল ক্রোশিয়া কর লেঙ্গি। একই জায়গায় আমি একটি ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম। নেক্সট যে ওয়ান চেন বলি স্পেস হে ওহা পে ভি হাম দো ডবল ক্রোশিয়া কর লেঙ্গি। পরে যে একটি চেনের স্পেস আছে ওখানেও দুটো ডবল ক্রোশিয়া করে নেব। ওয়ান एंड टू। नेक्स्ट स्पेस पे दो डबल क्रोशिया के बीच में दो डबल क्रोशिया के मझखाने टू डबल क्रोशिया कर लेंगे। दो डबल क्रोशिया करने वो ऐसे हम हर एक स्पेस पे दो दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। এভাবে আমরা প্রতিটি স্পেসে দুটো করে ডাবল ক্রোশিয়া করে পুরো রাউন্ডটা বুনে নেব। দেখো নেক্সট ওয়ান চেন वाला স্পেসেও দুটো ডাবল ক্রোশিয়া করে নেছি। নেক্সট ওয়ান চেন वाला স্পেস মে হাম দো ডাবল ক্রোশিয়া কর লেঙ্গে। ऐसे ही पूरे राउंड बुन लेंगे। ओके देखो मेरी पूरी राउंड कंप्लीट हो चुकी है। हमारा पूरा राउंड टा कंप्लीट हो गया छे। अभी स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहली बारी डबल क्रोशिया के साथ प्रथम डबल क्रोशिया के साथ हम स्लिप स्टिच करे राउंड टा जॉइंट करे निच्छी।
राउंड को जॉइंट कर लेंगे। फिर हम फिर से दो चेन ले लेंगे, पहले एक स्लिप स्टिच कर लेंगे मिडिल वाले पोर्शन पे, जैसे पहले राउंड में करे थे, जो है प्रथम राउंडे करे छिलाम स्लिप स्टिच से भावे कर निलाम, करे दुटो चेन ने निलाम, दो चेन ले लिए है। फिर वही स्पेस पे हम वन डबल क्रोशिया कर लेंगे, वही स्पेस से हमी सॉरी टू डबल क्रोशिया कर लेंगे, दो डबल क्रोशिया कर लिए हैं। नेक्स्ट हम वन चेन लेंगे, एक चेन नहीं नेब जेमन प्रथम राउंडे करे छिलाम, ए राउंडटाते करे छिलाम, जैसे हम ए राउंड ए वाला राउंड में करे थे वन चेन एंड टू डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम कर लेंगे, एभावे ही करे नेब वन चेन एंड वन चेन स्किप, नेक्स्ट चेन सेकेंड चेन पे दो डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करे सेकेंड चेने दुटो डबल क्रोशिया करे नेब, वन एंड टू, फिर से वन चेन ले लेंगे, आबार एक चेन नहीं निलाम, वन चेन स्किप करके सेकेंड चेन पे दो डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करे सेकेंड चेने दो डबल क्रोशिया, वन टू, फिर से वन चेन ले लेंगे, आबार एक चेन नहीं नेब, फिर से वन चेन स्किप करके सेकेंड चेन पे दो डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करे सेकेंड चेने दो डबल क्रोशिया करे नेब, वन एंड टू, ऐसे ही पूरे राउंड हम बुन लेंगे। वन चेन स्किप सेकेंड चेन टू डबल क्रोशिया, वन टू, वन चेन सेकेंड चेन पे वन चेन स्किप करके सेकेंड चेन पे दो डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करे सेकेंड चेने दो डबल क्रोशिया, वन टू। पूरी राउंड कंप्लीट हो चुकी है, पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, स्लिप स्टिच करे जॉइंट करे नहीं थी, स्लिप स्टिच करके हम राउंड को जॉइंट कर ली है। अभी दो चेन ले लेंगे, एक बार दो चेन नहीं नेब, प्रथम एक स्लिप स्टिच करे नेब, पहले हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर दो चेन लेंगे, एबार दो चेन नहीं सेम स्पेस से हम एक डबल क्रोशिया करे नेब, सेम स्पेस पे हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वन चेन वाला स्पेस पे दो डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन चेन वाला स्पेस से दो डबल क्रोशिया करे नेब, एक राउंड दो डबल क्रोशिया वन चेन, और एक राउंड हर एक स्पेस पे दो दो डबल क्रोशिया करके बुन लेंगे। এইভাবে আমরা একটা দুটো ডাবল ক্রোশিয়া ওয়ান চেন এবং হার এক স্পেসে দুটো করে ডাবল ক্রোশিয়া করে বুনে নেব। দেখো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন
আমার 14 রো কমপ্লিট হয়ে গেছে। মেরি 14 রো কমপ্লিট হো চুকি হ্যাঁ। অভি হাম নেক্সট নেক্সট পার্ট কাম শুরু করেঙ্গে। ফির সে হাম উল জয়েন্ট কর লেঙ্গে। দেখিয়ে ইসি স্লিপ স্টিচ বালা পোর্শন পে হাম উল কো জয়েন্ট কর লেঙ্গে। ऐसे नॉट लगा लेना, ये भावे नॉट लगे नहीं भी एक टा, ना हाले उल खुल जाते पड़े, नहीं तो उल खुल के बाहर आ जाएगा। के अभी हम ऐसे दो पाप स्टिच कर लेंगे। वन पाप स्टिच ये भावे हमरा पाप स्टिच करने वो वन टू एंड जॉइंट। फिर से इसी स्पेस पे और एक पाप स्टिच कर लेंगे। अब और इस स्पेस पे हमें यार एक पाप स्टिच करने को वन टू एंड जॉइंट। फिर यहाँ पे हम थ्री चेन स्किप कर लेंगे। एखाने हमारा तीनटे चेन स्किप करे फोर्थ चेने वन सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक पाफ स्टिच, आबार एक पाफ स्टिच, वन टू जॉइंट। फिर से वही स्पेस पे एक पाफ स्टिच, आबार एक ही स्पेस पे एक पाफ स्टिच, वन टू फिर से हम थ्री चेन स्किप करके फोर्थ वाले चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, तीनटे चेन स्किप करे फोर्थ चेने एक सिंगल क्रोशिया, वन पाफ स्टिच, वन टू जॉइंट। फिर से एक पाप स्टिच सेम स्पेस पे, एक ही स्पेस से आवार एक टीस पाप स्टिच, वन टू जॉइंट। ऐसे ही हम पूरे राउंड को बुन लेंगे। এভাবেই আমি পুরো রাউন্ডটা বুনে নেব। থ্রি চেন স্কিপ ফোর্থ চেন ওয়ান সিঙ্গেল ক্রোশিয়া ওয়ান। দেখি ऐसे पूरे राउंड को हम बुन लेंगे। देखो এভাবেই আমরা পুরো রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নেব। পাফ স্টিচ ওয়ান टू जॉइंट। वन टू जॉइंट।
वन पाफ स्टिच, देखो हमार कमप्लीट हो गया पूरा थालपोसटा। मेरी थालपोस कमप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जो हमारे चैनल तुम्हारा नतून हो तो अवश्य सब्सक्राइब करो, साइड थका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिओ। जो हमारे वीडियो तुम्हारा भलो लगे थे तो अवश्य लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर जानिओ कैमन लगलो हमारे थाल पोस्टा। सो फ्रेंड्स कमेंट करके जानाइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये थाल पोस्ट। और मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सॉरी, इसलिए सॉरी। सो बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।